ये तो कानूनी प्रक्रिया है और फिर अपनी मानसिकता है। और हम समझते हैं कि लालू प्रसाद जी चार सीटेट थे तो भारत के रेलवे मंत्री थे, तो उस समय इस्तीफा लोग मांगे होंगे या न मांगे होंगे। आज जहाँ तक चार सीट का बात है तो वैसी परिस्थिति में ऐसी कानूनी कोई प्रतिबंध तो नहीं है, लेकिन नैतिकता का तकाजा है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ बात हुई है 2005 में जब हम मंत्री के शपथ लिया था और चार घंटे के अंदर आप लोगों ने कहा कि एक कोई दागी मंत्री हैं, तो यही नीतीश कुमार जी हमसे इस्तीफा ले लिए थे। तो आज वही नीतीश कुमार हैं, उनको भी चाहिए कि जब वो चार सीटेड हैं तो जब मात्र FIR होने पर जब हमसे उन्होंने इस्तीफा लिया था तो आज चार सीटेड हैं तो उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। या इसके पहले जो राजद से संबंध विच्छेद हुआ था और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तेजस्वी जी, तो क्या कह करके संबंध तोड़े थे? यही कह के ना कि वो स्पष्ट करें कि क्या बात है, माने उनको स्पष्टीकरण दें। स्पष्टीकरण नहीं दिया था तो वो अदला बदली कर दिए। तो आज क्या हो गया है? आज उनको मांगना चाहिए, अगर नहीं मांगते हैं तो फिर कोई कार्रवाई अपना करना चाहिए। आप लोग भी इस्तीफे की मांग करते हैं? हम इस्तीफा मांग करने वाले कौन हैं? चीफ मिनिस्टर मांगे इस्तीफा, लेकिन हम तो यही करते हैं। नीतीश पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं क्या आप? कुछ पता नहीं है हम लोग कौन कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, कौन है। नीतीश जी ने हमको बाहर किया है, हम बाहर का रास्ता देखे हैं। हमको मर्ज करने के लिए कहा था, मर्ज स्वीकार नहीं था, इसीलिए हम बाहर हैं। इसलिए नीतीश कुमार से कोई कंप्रोमाइजेशन का क्या प्रश्न उठता है? लेकिन सर आज मानसून सत्र की शुरुआत होने से कहा है, अच्छा है अगर साथे चलते हैं और इस तरह से बना करके रखें कम से कम सेशन भर ठीक से, तो सेशन अच्छा चलेगा, अनुपूरक बजट पास होगा, जनहित में होगा। तो इसलिए वो अगर साथे गए हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नीतीश जी से हम कोई मांग नहीं करेंगे, नीतीश जी से सिर्फ यही कहते हैं हम कि 2005 में जब हमने वोट लिया था कैबिनेट का और उनको आप लोगों ने कहा कि एक दागी मंत्री आ गया है, तो हमसे उन्होंने इस्तीफा मांगा था, चार घंटे के अंदर हमने इस्तीफा दे दिया था। आज इन नीतीश कुमार का जमीर कहाँ है कि जब चार सीटें उनके मंत्री डिप्टी सी एम हैं तो उनको बोलना चाहिए, प्रेसिडेंस कायम करना चाहिए। तो यही नीतीश कुमार जी हमसे इस्तीफा ले लिए थे, तो आज वही नीतीश कुमार हैं, उनको भी चाहिए कि जब वो चार सीटें हैं तो जब मात्र FIR होने पर जब हमसे उन्होंने इस्तीफा लिया था तो आज चार सीटें हैं तो उनसे इस्तीफा लेना चाहिए।